हेलो असलम गुप्ता, हाय गाइस, क्या हाल चाल? वी आर बैक। अच्छा तो सीन ये है कि यार कॉन्सर्ट का पार्ट टू वाला व्लॉग आ रहा है, ये देखो, पूरा देखना है। और जिस तरह आप सपोर्ट कर रहे हो, जिस तरह सपोर्ट करते रहो, आपका भाई डेली व्लॉग करता रहेगा, तुम लोगों ने सपोर्ट करते रहना है। तो व्लॉग पूरा देखो और उम्मीद है तुम लोगों को अच्छा लगेगा। दलील करने आ रहा है दोबारा, सारों की दलालत कम थी। सबको इग्नोर करके मुल्तान पे गाना बनाया, पता है ना? और अब अगर मुल्तान वाले उस पे डांस ना करें तो फिर ये गाने के साथ ज्यादती है। तो मुल्तान वाले आज बताएंगे कि उनको मुल्तान से कितना प्यार है और मुल्तान में रहने वालों से कितना प्यार है। ओके, मुल्तान गाना होगा और सबने डांस करना है। हम आपकी वीडियो बनाएंगे और फिर उसको वायरल करेंगे पूरे पाकिस्तान में। ओके, तो मुबारक तुम्हारी जवानी।
गोल गप्पे खिला रहे हैं हमें। वापसी का सीन है, मैं बहुत पता नहीं नज़र भी आ रहा या नहीं आ रहा। खैर वही तीन बंदे कासिम और उबैद, और अब निकलने वाली करनी है, गोल चक्कर काट के चलते हैं। वे, वे देख क्यों मैं लेटा हूँ पीछे पीछे चटाक चटाक वो भाई यही साइड पे कर ले देख। अब जा रहे हैं जरा खलील की तरफ बाइक उठाने, और फिर ये वापसी उबैद और मैं अपने घर। सारी दलालत एक तरफ और एक पंचर की दलालत एक तरफ, जाते जाते ना कसम से बस एट द एंड ना इसने पंचर होकर अपना सारा काम दिखा दिया। कसम से ना हालत फुल टाइट हुई पड़ी है, टांगों में दर्द हो रहा है और पंचर होगी अभी। अब क्या करें बताओ यार, ना एक ना दो सीधा के सीधा तीन पंचर डिस्ट्रॉयड इन सेकेंड वाला काम है यार ये। तीन पंचर लग चुके हैं, अब तीन पंचर लगेंगे तब तक हम अपनी मैयत के लिए फूल ले लेते हैं ज़रा। यार मेरा पहला कॉन्सर्ट था लाइफ का, कसम से इंजॉय हो गया, फुल मज़े आ गए। मतलब अफीफा फिर ताहिर अब्बास आए हैं बता नहीं सकता। तो यार सारी आवाम अफीफा के पीछे ही पागल थी, ताहिर को कोई भी नहीं पूछा था। अगर अफीफा ना आती ना तो सारों ने उठ के चले जाना था, हमारा भी यही सीन था। अच्छा खैर छोड़ो,
तो इस वाले ब्लॉग को कर रहे हैं यहीं पे दी एंड। अच्छा लगा हो तो भी लाइक करना, ना लगा हो तो भी लाइक करना और सब्सक्राइब कर देना। अभी भी 40% ना अनसब्सक्राइबर हैं। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।